हो गया राधा राधे रा इग्नोर करना क्योंकि मेरा बच्चा कमेंट कर रहा है। लाइक डन राधे 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 थैंक यू मेरे बच्चा। सभी का वेलकम है मेरी लाइव में तो सो प्लीज कमेंट कर देना। अभी तो छौके भी नहीं है दाल। राम राम थैंक यू भैया और मेरे बाबू। कमेंट पढ़ो मेरा भी कमेंट क्यों नहीं पढ़ी थी। अरे पढ़ तो रहे राधे राधे बाबू। मामा एपिसोड देखना है। कौन सा एपिसोड बाबू? बाबा ज्योतिष नाथ बेटा अलख निरंजन। और बताइए ज्योतिष नाथ बाबा आपका तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ना से सही हुआ कि नहीं हुआ है? दवाई लिया आपने कि नहीं?
प्लीज बाबा ज्योतिष नाथ लाइक डन कर दो। आरव बेटा थैंक यू सो मच। अलख निरंजन, और लोगों की वॉचिंग है। एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने नहीं हूँ। और हाँ, कल बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है, तो मम्मी वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाएंगे बेटा, हम चलते हैं। अलख निरंजन, नहीं बाबा ज्योतिष नाथ मत जाओ अलख निरंजन। शिवा मोटिवेशन, हाय वेलकम है शिवा जी, और बताइए कैसे हो। हेलो जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, प्लीज लाइक डन कर दीजिए, वेलकम है आपका हमारी लाइव में। और बताइए कैसे हो, खाना ना हो गया आपके घर। हाँ बाबू, अच्छा एक लोगों ने लाइक डन नहीं किया है, एक लोगों ने क्या, दो लोगों ने नहीं किया है, प्लीज लाइक डन कर दो। मम्मा जी क्या बना रही हैं, हमको पता नहीं है। अच्छा बेटा जी, मैं दाल चावल बना रही हूँ, खाना है क्या। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है। अच्छा हिमालय, ओह माय गॉड हिमालय, वेलकम है हिमालय जी। और बताइए कैसे हो, हमारी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डेली शाम को 4 बजे लाइव आती हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी। और बाबा ज्योतिषनाथ, बेटा हम जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा लंगोट खराब हो जाएगा। ओ माय गॉड, धन्य हो प्रभु, हमारी लाइव मत खराब कर देना, आप जाओ जल्दी से। लाइक डन हो गया है, थैंक यू थैंक यू। और बताए हिमालय जी, पूरी ABCDZ तक सुनाओ। अच्छा कौन सुनाए बाबू, आरव कौन सुनाएगा ABCD, बताओ A to Z। तुम सुनाओगे, तुम ही सुना दो। सभी का वेलकम है, प्लीज लाइक डन कर दो भाई। आपका फोटो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कैमरा बैक किया है भाई, इसीलिए नहीं दिख रहा। देखो दिखा कुछ, मैंने कैमरा बैक किया है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए नहीं दिख रहा है। मैं किचन में खाना बना रही हूँ और फोन रख दिया है ऊपर। देखो मेरे बच्चे ने ABCD सुनाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। देखो मेरे बाबू ने ABCD सुनाई है, सभी को बताइए सही है कि नहीं। प्लीज दिखाइए, क्या दिखाऊं भाई। ओके जब मैं फिर से सुनाऊं, अब मैं फिर से सुनाऊं ABCD, देखो यह म्यूजिक भेजा है। अच्छा आपने, थैंक यू, क्या आपने, थैंक यू। वेलकम, छवि हैं, कौन कमेंट कर रहा है। आपने अपना फोटो दिखाया इसलिए थैंक यू, वेलकम 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 वेलकम। और बताइए छवि हो क्या। बेटा अगर हम नहीं जाएंगे लाइव में लैटरीन हो जाएगा, लैटरीन
भगवान जी, हाँ चला जाएगा, आप जाइए ज्योतिषनाथ बाबा, आप जाइए, ओ आप जाइए, आप जाइए, हे भगवान आप जाओ, वरना हमारी कहीं लाइव गंदी हो जाएगी, आप जाओ प्लीज बाबा ज्योतिषनाथ, आप जाओ, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाओ अब। छवि थैंक यू, यस मैं छवि हूँ, थैंक यू थैंक यू, मुझे लगा आप तुम ही हो। एंड वो हैप्पी बर्थडे इन लास्ट में, ठीक है, मैसेज तो किया था बट हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और बताओ बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा आपका? थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा। हाँ वीडियो देखा था आपका, थोड़ा केक कटिंग सेरेमनी वाला देखा था। बिमल चांद, बिमल जी वेलकम है आपका हमारी लाइव में, और बताइए कैसे हो, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारी लाइव में, और बता दीजिए कहाँ से हैं आप, प्लीज हमारे लाइव को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना सा छोटा सा काम करना है, कहाँ से हैं बता दीजिएगा। मौसी के यहाँ मनाया गया था, अच्छा हाँ वो पता चला था मौसी के हुआ है। O-N-E-1-T-W-O-T-W-O-2, मेरे बच्चे देखो स्पेलिंग के साथ 1-2-3 सुनाई है, थैंक यू। बिमल जी, बाबा ज्योतिषनाथ भाभी जी हंस रही हो, बताओ कोयल करता है क्या, आपको मजाक लग रहा है और आप हंस रही हो? नहीं नहीं, आपने थोड़ा कमेंट जो है थोड़ा अजीब सिचुएशन से किया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा हंसी आई थी, बट आपकी प्रॉब्लम पे मुझे कोई हंसी नहीं आई। आप मेडिसिन ले लीजिए, आप 3-4 दिन से मेरी लाइव में आ रहे हो, लाइक भी नहीं करते हो, फिर भी क्या कहते हैं लाइक भी नहीं करते हो, और ये भी बताते हो मैं आ रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है मैं जा रहा हूँ, आप कब आएंगी? आपने मुझे बुलाया ही नहीं था अपने बर्थडे पे, मैं कैसे आती? आपने बुलाया होता तो हम आने के लिए रेडी थे, मैंने सोचा यही एक चांस है जाने के लिए, तो बुलाया ही नहीं। कभी भाभी जी, कभी बेटा जी, कभी दीदी जी, कभी माँ। ओ सॉरी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे घर पे होगा तुम बुलाओगी, तो बुलाया ही नहीं, हम तो आने के लिए रेडी थे पहले से, तो सोचे थे कि अगर छवि बुलाएंगे तो हम जाएंगे जरूर, इसी बहाने आने का मौका मिल जाता, ऐसे टाइम ही नहीं निकल पाता है, और जब कुछ फंक्शन वगैरह होता है तभी सोच जाने को मिल जाता है। प्लीज सॉरी, इट्स ओके यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ऐसे बोल दिया। क्यूट लग रही हो मम्मा, मम्मा क्यूट, बहुत अच्छी लग रही हो, ओहो मेरा बाबू थैंक यू सो मच। नहीं मौसी, मौसी का मन हुआ था वरना बुलाते, अच्छा मौसी के यहाँ हुआ था नहीं तो अब बुलाती, कोई बात नहीं, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम टाइम, ठीक है। अंकल की जब छुट्टी होगी तब आइएगा, ओके ओके, जब छुट्टी होगी तब मैं आऊंगी, अभी तो फिलहाल कल से नवरात्र शुरू हैं, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस में। आए तो पहले सेंड करो, सेंड करो, कहाँ है वे? नहीं इधर आ, देखिए ये देखो, ये तो पढ़ा है मैंने, क्यूट लग रही हो मम्मा, ये तो पढ़ा है,
सेम टू यू, थैंक यू। मम्मा मैं कार्टून देखने जाऊं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मार खाओगे। मम्मा आवाज आ रही है, अब तेरे से बोल, आवाज नहीं आ रही है। पगलू, आवाज नहीं आ रही है, आई तो तुम बहरे हो चुके हो। तो पिंपल्स निकला है। ओके बाय बाय बाय। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हैप्पी नवरात्रि, सेम टू यू। गुड नाइट, बाय बाय, आरव बेटा, गुड नाइट, बाय। बेटा कहीं आपके लाइव लाइक करने जाऊं, लाइक के वजह से कहीं मुझे सही बात है, मत करो लाइक, मत करो। वैसे भी आप कहाँ करते हो, एक लाइक नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, शायद आपका बिगड़ जाए लाइक करने से, तो मत करिएगा। आपको ऐसा गाना सुना दीजिए, आप कोई मतलब क्या है, आपको ऐसा गाना सुना दीजिए। नहीं यार, लाइव है, लाइव में गाना नहीं सुनाते, मुझे गाना नहीं आता। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, ओहो तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, नहीं 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 नहीं, प्लीज हमारी सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जानती हो छवि, कल अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा, ठीक है, तो उसे देखना मत भूलना। गाना सुना दीजिए। नो नो नो, फिर जाएंगे बेटा, लाइक डन। थैंक यू बाबा ज्योतिषनाथ, आज आपने इतना बड़ा उपकार कर दिया है मुझ पे, जिसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए, इतने दिनों में आज आपने लाइक किया है, थैंक यू।
व्रत रहना है, कल किसको रहना है पूरे नवरात्र, या फर्स्ट लास्ट कौन रहेगा? अभी हमको अपना मंदिर भी डेकोरेट करना है, सब ऐसे वैसे ही पड़ा हुआ है, उसे भी सब सही करना है। अभी हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हैं, आते हैं तब जाके हम करते हैं। फिर आपको उसका भी वीडियो जो अगर हो पाएगा तो मैं बना के दिखाऊंगी, ठीक है? अभी देखो सब कैसे रखा हुआ है और डेकोरेट करने के बाद कैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। दीदी जी प्रणाम, ब्रजेश भैया वेलकम 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 ब्रजेश भैया, और बताइए कैसे हो, खाना हो गया आपका? ब्रजेश पांडे जी खाना हो गया आपका? दीदी जी प्रणाम। कल नवरात्रि है ना, उसी की सब तैयारियां कर रहे हैं। भाभी जी खाना अभी नहीं हुआ है, अच्छा अभी नहीं हुआ है, मेरा बना रही हूँ मैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमको मंदिर के अपने साफ सफाई भी करना है, दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया, अभी सब ऐसे ही पड़ा है। कल अच्छा ब्लॉग आएगा, आप लोग देखिएगा, लाइक कमेंट कर देना, ठीक है? दीदी जी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे लाइक डन कर दो, जाओ मत, ठीक है? जाओ मत, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे, आपको पता है ना हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। दीदी जी लाइक लेकर क्या अचार डालोगी बताओ? अरे आप दे दोगे तो क्या आप अचार डालोगी बताओ? बचा के क्या रख करोगे बताओ? लाइक को बचा के क्या करोगे आप ही बता दीजिए, मुझे तो दे दोगे ना तो मुझे थोड़ा काम ही हो जाएगा, आप लेकर क्या करोगे आप बता दो, ना देकर मतलब क्या करोगे? दीदी जी मैं सिरका बनाऊंगा तो मैं उसमें मिर्ची डालूंगी, ठीक है? मिर्चा और लहसुन और क्या कहते हैं मतलब सिरका वाली मिर्चा नहीं अच्छे होते हैं, हम वो डाल देंगे, मूली वगैरह सब पड़ती है हम वो डालेंगे, और क्या। सिरका लेने की जरूरत हो बताना, मेरी चाचा बनाते हैं, मैं उनसे दिला दूंगी, आप सिरका मत बनाना।
डन। थैंक यू सो मच। कितना परेशान कर लेते हो एक लाइक देने के लिए, हे भगवान। इतना तो भगवान भी नहीं परेशान करते अपने दर्शन देने के लिए। इतना रिक्वेस्ट करूँ ना उनसे तो वो अपने दर्शन भी दे दें। चीट करते रहते हैं दीजिए सही बात। दिखा ये तो जैसे बॉम्ब दगने वाला है वही है ना। अब दिखना सुनना, अब दिखाऊंगा नहीं मैं। हटो हटो नहीं कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट दूर हटो, इसमें आवाज आ रही है। डैड का होगा तो देखें काट दो लाओ, हमें आप खुद कर जाएगा। काटना नहीं मार कर चुप्पे धर दो। प्लीज कमेंट मी।
प्लीज कमेंट करो। ओह माय गॉड, मेरे मच्छर। काजल सिंह, हाय काजल जी, वेलकम है आपका हमारी लाइव में, और बताइए कैसी हो। प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आपने किया होगा। कैसी हो, खाना वाना बन गया आपका? जय श्री कृष्णा। अच्छा, गिरिधर भैया आ गए। गिरिधर भैया के बिना तो हमारी लाइव अधूरी है। बिल्कुल, लाइक, थैंक यू सो मच गिरिधर भैया। और बताओ कैसे हो, खाना खा लिया आपने? गिरिधर भैया, खाना खा लिया आपने? आप मुझे सपोर्ट नहीं करती हो? अरे मैंने आपको ज्वाइन तो किया है दिव्या दीदी के तीन। दिव्या दीदी के बिना हम अधूरे हैं। अच्छा गिरधर भैया, और आपके बिना मेरी लाइव अधूरी है। हाँ भोजन हो गया। अरे बड़े जल्दी, कम से कम जब मेरी लाइव चल रही थी तब खाते खाना, हमसे तो पूछते, हमसे भी नहीं पूछा। हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय कैसे करते हो। ये काजल जी बोल रही मुझे सपोर्ट नहीं किए हैं। हेलो गिरधर भैया, कहाँ से हो आप? गिरधर भैया मेरे घर से हैं, ये मेरे भैया हैं, मतलब मेरे भाई हैं। हटो,
मेरी किसी के लाइव में पहुंचने वाली प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ़ोन में इतना नेट नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाती हूं। मैं आपका बहुत वीडियो पर कमेंट किया सिस्टर, और आपने एक भी वीडियो पर मेरा कमेंट कुछ भी नहीं किया। आपने भोजन कर लिया दीदी जी? नहीं, बस बना चुकी हूँ, किया नहीं है। आपने तिवारी जी कहाँ हैं हमरे? तिवारी जी तुम्हारे थे तो बाहर, लेकिन जैसे ही आप लाइन में आए वैसे ही अपना भी आ गए। गिरधर भैया मेरे से नाराज हैं क्या? काजल जी, मेरे भैया किसी से नाराज नहीं होते हैं। क्या खाया है गिरधर भैया आज खाने में? काजल जी नहीं जी, हाँ हमको पता है गिरधर भैया नाराज नहीं होते हैं। क्या खाया है आज खाने में गिरधर भैया? भैंसा या मछली? राधे राधे भाई, रोटी सब्जी सलाद यही सब खाया है आज क्योंकि गिरधर भैया को तो खुद दीदी अच्छा बनाती हैं खाना, मुझे लगा खुद बनाना पड़ता है। चलो बहुत अच्छी बात है। रोज का वही खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। दो पाई कटकी है नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं काजल जी आपको। ओ माय गॉड, अब नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हो, बताओ गर्मा गर्म चाय रेडी है, पी लो। देखो चाय भेज दिए। ब्रेड चाहिए किसी को तो बताओ। टेस्टी वाले ब्रेड भेज रहे हैं, देखो आए। गिरधर भैया मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, प्लीज काजल सिस्टर लाइक डन तो कर दो, आप भी मुझे ज्वाइन कर लो। कल से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है दीदी जी। हाँ गिरधर भैया, हम भी अभी उसी की तैयारी में जुटे हैं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ चले गए। अभी गिरधर भैया हमारा मजाक उड़ाएंगे। भैया कल से रामनवमी चल रही है, ज्वाइन कर लिया है काजल जी, लेकिन हमारा कोई चैनल नहीं है। काजल जी आप कल भी आई थी शायद, कल की परसों आपने कहा था मुझे ज्वाइन कर लो। आपको ब्रजेश भैया ने भी ज्वाइन किया था, गिरधर भैया ने आपको ज्वाइन किया था, और जब मैंने आपसे बोला कि आप भी सबको ज्वाइन कर लो तो आप कमेंट कर छोड़ के चली गई और आप आई ही नहीं थी दोबारा। ज्वाइन किया है ये, मैं आपके वीडियो पर कमेंट कर दिया। मैंने भी काजल जी आपकी वीडियो पे कमेंट कर दिया हूँ। मैंने भी कमेंट कर दिया।
अच्छा काजल नहीं थी, सोनू, सोनू हाँ सही कहा आपने, आप सोचे काजल ही थी। सिस्टर मैं कल आपकी वीडियो में नहीं जुड़ी थी। हाँ तो आप नहीं थी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप ही थी। तो वो गिरधर में सोनू नाम से आईडी थी ना, मुझे लगा आप थी, सॉरी। मैं ऐसा काम नहीं करती सिस्टर, हाँ आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने खुद खाना बना लिया है, ठीक है, कोई नहीं सिस्टर, मिस्टेक हो जाती है। हाँ कल मतलब कोई एक आई थी, मतलब तो मुझे नहीं ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा मुझे ज्वाइन करो, मुझे ज्वाइन करो, वो सबसे ज्वाइन करवाई, दो तीन लोगों से मैंने उनको ज्वाइन करवा दिया। गिरधर भैया भी ज्वाइन किए, ब्रजेश पांडे ज्वाइन किए, और जब मैंने कहा मुझे भी सपोर्ट कर दो, मुझे भी लाइक कर दो, तो वो चली ही गई, ना कोई कमेंट ना कुछ। कितने बार सब लोगों ने बोला प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज कमेंट करो, लेकिन वो कमेंट ही नहीं कहीं चली गई। आई एम सॉरी काजल जी। बादाम तुम खा रही हो, दिमाग हमारा चल रहा है दीदी जी। अभी देखो और क्या खा रहे हैं, अभी देखना आप। हमको और चाहिए। पनीर है, नमक डालो, नमक डालो मम्मा, नमक नहीं डालो। काजल जी आप कहाँ से हैं? गिरधर भैया खाना है? नमक पड़ा तो है, नहीं तुम ही खाओ। खाना हो तो बताओ, अब लार टपक रही होगी, बल्टी फुल होगी लार टपकने से, बता रहे ना ही, तुम खाओ। बॉडी बनेगी। अब नहीं, नुकसान करते, बादाम ज्यादा नहीं खाना है। तो कब कब खाया जाएगा? कल खा लेना, व्रत है, व्रत में खा लेते। तिवारी जी को बचा कर खाना, ठीक है। हमें पनीर पसंद नहीं है, चौराहे पर डेरी है, चाहो तो रोज खाऊं। तो काहे नहीं खाते हो? इसमें जानते हो काला नमक नहीं आता है, वो पीस कटे हुए हैं, इस पे काला नमक पड़ा है, खाओ बहुत यम्मी लगता है। चॉकलेट कलर है, काला नमक है, कलर कलर है, सुनिए काला बता रहे हैं तिवारी जी को बचाकर खाना, ठीक है। गिरधर भैया हमारे घर पे है डेरी। हमें नहीं पसंद है दीदी जी,
नहीं खत्म, आपके तो चौराहे पे है डेरी, हमारे यहाँ तो घर में है। राधे कृष्णा, हाँ पता है तिवारी जी, तभी तो चाय पीने बाहर जाते हैं। वो बाहर कहाँ जाते चाय पीने, नहीं चाय घर पे ही पीते हैं, लेकिन इनको कौन बताए। गिरधर जी आप जाते हैं होटल पे चाय पीने अपने, सही बात है, ये अपने होटल पे जाते हैं चाय पीने, और हाँ तिवारी जी घर में ही पीते हैं चाय, बाहर नहीं जाते हैं। बस 10 मिनट बचे हैं, लाइव चल जाए 9 मिनट, चलो ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो दीदी, नहीं तो क्या हुआ, नहीं तो क्यों लगा, 9 मिनट बचे हैं लाइट चलाने के लिए, बस बंद कर देंगे फिर जाते अपना काम करने। हमने सोचा 3 घंटे आज जो पूरा कर लें, 2 घंटे उतने टाइम चली थी, 2-2.5 घंटे चली थी ना। थैंक यू सो मच, जितने लोग जुड़े हो प्लीज लाइक डन करते रहो, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने न्यू लोग हों। हमारे घर पर एक भैंस है तिवारी जी, 5 लीटर दूध होता है घर पर। आपके वहां एक भैंस है, हमारे वहां तो पूरी डेयरी है, दूध की डेयरी है। वो भी जो 5 लीटर दूध होता है ना, तो वो भी दूध वाले को दे दिया जाता होगा, हमको पता है, कुछ नहीं पाते होगे तुम खाने को, एक लिए तो दुबले पतले हो, अम्मा जी सब दही देती होंगी। लीटर दूध आप ही खाते हो गिरधर जी, हाँ सही बात है, शुद्ध शाकाहारी हैं हम लोग, सब घर पर ही पैदा करते हैं हम लोग। हाँ फिर होटल पे चाय पीने क्यों जाते हो, जब सब शाकाहारी हो शुद्ध और सब कुछ घर में ही पैदा करते हो, फिर होटल पे चाय पीने क्यों जाते हो, हाँ बताओ। नहीं तिवारी जी सब खाते हैं, तो होटल पे चाय पीने क्यों जाते हो, जब सब घर में ही पैदा हो जाता है तो फिर चाय पीने होटल पे क्यों जाते, घर में पी लो। वो गिरिधर जी का होटल है। और है तो घर के बाहर ही, वो हमारा शौक है तिवारी जी, इस बहाने घूम भी लेते हैं, तब क्या बाहर दूध की डेयरी से दूध भी ले आया करो, पनीर भी ले आया करो, शौक नहीं है तो क्या हुआ, घूम लोगे थोड़ा, शरीर कम पड़ेगा इतना खा खा के मोटे हुए हो। चाय के बहाने घूमने जाना पड़ता है, ये चाय के बहाने घूमने जाते हैं कि बचपन वाली से मिलने जाते हैं, कोई क्या देख रहा है इनको, कौन सा कांड रचा रहे हैं बैठे बैठे। अम्मा जी मिल जाए तो सब बता दे कि ये चाय पीने नहीं, ये कहीं और ही जाते हैं।
पनीर को हम लोग नहीं खाते हैं दीदी जी, पाप लगता है। अच्छा, भैंसा खाना पाप नहीं लगता है, पनीर खाना पाप लगता है ना। पनीर कौन से जानवर से बनी है बताओ। फोन आए हैं, फंक्शन में तो बनवाते ही होंगे गिरधर जी। दूध में नमक नहीं मिलाना चाहिए, पनीर दूध से ही बनता है। अच्छा, तो पनीर की सब्जी के शादी पार्टी फंक्शन में नहीं खाते हो? बोलो, अगर ऐसा ही लोग करें तो कोई पनीर बनवाए ही ना। कहीं देखो शाही पनीर, कहीं पालक पनीर, कहीं कुछ कैसे भी पनीर, इतनी सारी तो पनीर बनती है, दूध का इतना सारा तो काम होता है। अगर ऐसे लोग देखने लगे तो कहाँ कोई बनवाएगा बताओ। चले गए क्या देवघर भैया? नहीं तिवारी जी, रसेदार सब्जी बनवा लेंगे। हाँ, तो उसमें नमक नहीं पड़ता है क्या? रसेदार सब्जी में नमक नहीं पड़ता है? दीपक भैया गुड बाय। अच्छा दीपक भैया, अभी अभी आए हो और गुड बाय बोल रहे हैं आप। जय हिंद जय भारत। दीपक भैया वेलकम है आपका हमारी लाइव में, और बताइए कैसे हो। विपिन भैया कैसे हैं बहन? हाँ मेरे भैया, पनीर तो बनता ही होगा गिरिधर जी। हाँ बोले हैं बनता है, लेकिन रसेदार वाली सब्जी बनाते हैं क्योंकि पनीर में दूध का होता और दूध में नमक नहीं पड़ता है। तो वही बोले हैं कि लोग देखा था तो ठीक है, लेकिन आजकल तो पनीर शाही पनीर पता नहीं कितने कितने आइटम दूध के बनवाते हैं, उसमें नमक पड़ता ही है। नमक पड़ेगा लेकिन दूध तो नहीं होगा पागल, नमक पड़ेगा लेकिन दूध तो नहीं होगा, तो पनीर तो होगी जो कि दूध से ही बनती है। नहीं बनता है तिवारी जी। सेहत को भी नुकसान करता है पनीर की सब्जी। हाँ मैं तो भैया पता ही नहीं था, आज हम पता चला हमको, और हमको तो लगता था पनीर फायदेमंद होता है। दीपक भैया कहाँ हैं आप? अजीत सिंह, रोज कौन पनीर खाता है गिरिधर भैया? सही बात है। रसेदार सब्जी में पनीर नहीं डाला जाता है तिवारी जी, आपको पता होना चाहिए। तब क्या डाला जाता है आप बता दीजिए। अजीत सिंह, अपनी घर में अपनी सिस्टर से पूछो पनीर कैसे बनता है, अपनी सिस्टर अपनी मम्मी से पूछो पनीर कैसे बनता है, वो आपको बताएंगी बहुत अच्छे तरीके से। पता है इतनी अच्छे से तरीके से कोई नहीं बता पाएगा। और उल्टा सीधा कमेंट करना है तो मेरे लाइफ से गेट आउट हो जाओ। अच्छा, सिस्टर मम्मी नहीं है तभी तो आपको उनकी अहमियत नहीं पता है।
क्योंकि आपको दूसरों की कदर नहीं है ना, इसीलिए शायद भगवान ने आपकी मम्मी को आपसे छीन लिया होगा। बिना मम्मी के तो आए नहीं हो इस दुनिया में। आलू परवर गोभी मटर टमाटर गरम मसाला यही सब पड़ता है। अच्छा ये सब्जी बनती है, कितना भी शादी फंक्शन मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना हो यही सब मतलब होता है। पनीर की सब्जी नहीं बनती है, छोला था, छोला बनता होगा ना। परवल, लेकिन इस टाइम अभी परवल कहाँ आ रहा है। चलिए ठीक है, मेरा एक घंटा भी हो गया। अच्छा पति देव ने हाइड कर दिया, थैंक यू। पता नहीं उल्लू पट्टे कहाँ से आ जाते हैं। तिवारी जी को पता है दीदी जी सब। हाँ तिवारी जी को काहे नहीं पता होगा। चलिए मैं अपनी लाइव यहीं पे अब एंड करती हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया है और मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। राधे कृष्णा, सभी को राधे कृष्णा, गुड नाइट, राधे राधे। गिरिधर भैया राधे राधे। ये कौन है, जितेंद्र निषाद राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। हाँ राधे राधे, जय चंद निषाद यानी मोनू निषाद, है ना। वेलकम है आपका हमारी लाइव में। और वैसे तो मैं अब लाइव एंड करने वाली हूँ, प्लीज हमारी लाइव को लाइक कर दो फटाफट जल्दी से। हैप्पी नवरात्रि सब लोगों को एंड एडवांस में, ठीक है। हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी न्यू ईयर तिवारी जी। हैप्पी न्यू नवरात्रि बोलो, हैप्पी न्यू ईयर मतलब नया साल। जयचंद निषाद प्लीज लाइक डन कर दो। अब मैं अपनी लाइव यहीं पे करती हूँ एंड थैंक यू, बाय बाय सभी को। क्या है, अरे वेलकम वेलकम। कल से हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है तिवारी जी। हाँ सही बात है, टाटा बाय बाय गुड नाइट राधे राधे। हेलो हेलो गए।